वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आपके साथ मेघा। और वेरी वार्म वेलकम टू आवर स्पेशल प्रोग्राम बीबी रिव्यू, यानी बिग बॉस का रिव्यू। इस खास प्रोग्राम में हम आपसे चर्चा करेंगे कि घर में हो रहे ड्रामों का क्या असर घर के बाहर पड़ रहा है, सेलिब्रिटीज का क्या कहना है मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल रियालिटी शो के खास और बेहद ही अनोखे कंटेस्टेंट्स को लेकर। एज यू ऑल नो, बिग बॉस का सफर अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया है। करीब 2 हफ्ते बाद शो का ग्रैंड फिनाले होने वाला है और इस ग्रैंड फिनाले को लेकर स्पेकुलेशंस लगातार हो रहे हैं। कौन जीतेगा, कौन टॉप 5 में जाएगा, कौन इस हफ्ते बाहर हो जाएगा, टिकट टू फिनाले टास्क तो कैंसिल हो चुका है, तो कौन आखिर लास्ट मोमेंट पर सलमान खान के साथ 2 कंटेस्टेंट्स खड़े होंगे, इसे लेकर स्पेकुलेशंस हो रहे हैं। लेकिन फिलहाल टीवी इंडस्ट्री के सितारों से हर अवार्ड फंक्शन में, हर लॉन्चिंग इवेंट पर बिग बॉस से जुड़ा ही सवाल किया जा रहा है। कैलेंडर लॉन्च का मौका था जहां विवेक दहिया से और कुछ और टीवी सेलिब्रिटीज थे जिनसे सवाल किया गया। सवाल के जवाब में इन सितारों ने क्या कुछ कहा, सवाल के जवाब में बिग बॉस को लेकर अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को पिक करने को लेकर ये बड़े बड़े सेलिब्रिटीज क्या कुछ कह गए, सुनिए जरा। टीवी इंडस्ट्री का सबसे बड़ा रियलिटी शो बिग बॉस अब अपने अंतिम पड़ाव तक पहुंचने के लिए तैयार है। जैसा कि आप सब जानते हैं, बिग बॉस सीजन 13 का अंत होने जा रहा है। जाहिर सी बात है, अब हर कोई ये बात जान चुका है, हर कोई डिसाइड कर चुका है कि उन्हें एट लास्ट किसे सपोर्ट करना है। बिग बॉस का ये सीजन वाकई काफी ज्यादा टेढ़ा रहा है। इस बार लड़ाइयां भरपूर हुई हैं। बिग बॉस ने अपने ही घर के नियम ढेर सारे बदले हैं, काफी अनोखी चीजें हुई हैं। लेकिन इन सबके बाद सवाल ये उठता है कि इन सबका असर शो की टीआरपी पर क्या पड़ा। तो फिलहाल आपको बता दें, बिग बॉस सीजन 13 की टीआरपी काफी बेहतरीन रही है। बिग बॉस सीजन 13 को शानदार टीआरपी रेटिंग्स मिली है और इस खास रिपोर्ट में हम आपको कुछ टीवी इंडस्ट्री के सेलिब्रिटीज के बयान सुनाने जा रहे हैं। वो बयान जो इन सितारों ने दिए हैं अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को लेकर, वो बयान जो इन सितारों ने दिए हैं अपने फेवरेट प्रतिभागी को लेकर जिन्हें ये असल में जीतते हुए देखना चाहते हैं। विवेक दहिया है यहाँ पर, वो क्या कहते हैं बिग बॉस को लेकर। और भी कई सितारे हैं जिनसे सवाल किया गया कि आखिर बिग बॉस के घर में आप जीतते हुए किसे देखना चाहते हैं, आखिर बिग बॉस के घर में आप किसके सर पर जीत का सहरा सजते हुए देखना चाहते हैं। इन सितारों ने अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को लेकर, घर में होने वाले लड़ाई झगड़ों को लेकर क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। I'm not a big boss audience, no. I don't have that much patience to sit in front of the TV and witness, I barely find time. I would be lying. I think I have caught glimpses. I've seen it in bits and bobs, but never really actively watched it. No. I mean, Daljeet is a friend, so I saw some of her part when she was there. But after she left, no. तो यार एकदम बीच में है। यार समझ नहीं आ रहा कि यार शुक्ला की चिल्लाहट पे ज्यादा मजा आती है या फिर आसिम की चिल्लाहट पे ज्यादा मजा आती है या फिर शहनाज के फ्लिपर गिरी में ज्यादा मजा आती है। बट या आई एम एंजॉयिंग द सीजन एंड समझ नहीं आ रहा पहली बार कि कौन जीतेगा। दिल शुक्ला कह रहा है बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस। यार मैं क्या कहना चाहूँगा कि मतलब पास आए मुना लगे उसके अलावा और कुछ बाकी नहीं रहे इनके फाइट के बारे में कहने का। यार प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है और सिडनाज होता है इस वर्ड वाले वर्ड से। यार मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि यार रोटी कभी ऐसी है कभी वैसी है कभी तैसी है कभी जैसी है तो कोई कुछ बोल नहीं पा रहा है इनके बारे में। यार इट्स सो अनप्रेडिक्टेबल द लास्ट मोमेंट। और आसिम और हिमांशी के बारे में क्या कहना चाहेंगे, सलमान खान ने डांटा उनको, उनको लेके क्या कहना चाहेंगे? यार एक लड़का और लड़की दोस्त तो नहीं हो सकते लेकिन
ऐसे सलमान खान का ही कहना था एंड मैंने प्यार किया, बट एट द सेम टाइम लड़का इतना इम्प्रॉम्प्टूवली प्यार भी नहीं कर सकता है, दैट्स ऑल आई हैव टू से यार. नहीं यार, मुझे लगता है कि जब आप ऐसे एनवायरनमेंट में हो तो आपके इमोशंस कहाँ से कहाँ चले जाएं आपको भरोसा नहीं है, बिकॉज एनवायरनमेंट एब्सोल्युटली डिफरेंट एंड फ्रॉम योर ओन कंफर्ट जोन, तो यू कांट ब्लेम एनी ऑफ देम फॉर फीलिंग द वे दे आर फीलिंग. सो यहाँ पर आपने सुन लिया, विवेक दहिया ने तो साफ कह दिया कि मैं फॉलो नहीं कर रहा हूँ लेकिन थोड़े थोड़े स्नीक पीक एपिसोड्स देख लेता हूँ. अब आगे बढ़ते हैं और आपसे चर्चा करते हैं बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंट्स में से एक रही सना खान के बारे में. गाइस, सना खान ने बिग बॉस की जर्नी को जिया है, वो जानती हैं कि एक घर में बिना किसी सोशल मीडिया के रहना, बिना किसी अपने से मिले रहना, लोगों के बीच रहना कैसा माहौल होता है और उस माहौल में अपने आप को ढालना कैसा होता है. इन सभी चीजों को सना बेहतरीन तरह से समझती हैं. तो सब कुछ समझने के बाद सना किसे सपोर्ट कर रही हैं, सना खान के कुछ ट्वीट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं, उन्हें आप जानेंगे हमारी रिपोर्ट में, देखिए जरा. फिलहाल अब इस खास रिपोर्ट में हम आपसे बात करने जा रहे हैं कि आखिर बिग बॉस के घर में हो रहे ड्रामों का असर घर के बाहर क्या पड़ रहा है. सना खान बिग बॉस की ही एक्स कंटेस्टेंट हैं. रश्मि देसाई को लेकर वीकेंड के वार पर जो कुछ भी हुआ आप सब जानते हैं. रश्मि को लेकर वीकेंड के वार पर निजी जिंदगी से जुड़ी जो बातें निकल कर सामने आई हैं, उन्हें हर कोई जानता है. खुद रश्मि देसाई भी इन सबसे काफी ज्यादा हर्ट हुई. रश्मि को भी ये सारी चीजें काफी ज्यादा तकलीफ पहुंचा कर गई हैं. लेकिन अब सना खान ने रश्मि के प्रति सहानुभूति भरा ट्वीट कर दिया है. सना लिखती हैं अपने ट्वीट में, आई फील सॉरी फॉर रश्मि, आई नो हर एंड शी इज वेरी स्वीट, हम्बल एंड काइंड, बट व्हाट्स बीन हैपनिंग विद हर पर्सनल लाइफ इन द शो इज वेरी टफ एंड आई फील हर, स्टे स्ट्रॉन्ग रश्मि. सना आगे लिखती हैं, आई एम सॉरी हिमांशी खुराना, बट प्लीज डोंट लाई अबाउट शहनाज. Just because your hesitating people inside are giving you their opinion, so why would you say Sana warned you for Aseem, saying he will change? And if you wanna be so honest to Aseem, so just tell him his brother said not to do things on TV. Simple. Sana Khan यहाँ Himanshi Khurana को लेकर tweet कर रही हैं और Himanshi की activities के प्रति अपना गुस्सा जाहिर कर रही हैं. सना इल्जाम लगा रही हैं हिमांशी खुराना पर कि घर में जाकर झूठ बोलना बंद करो, शहनाज गिल की इमेज खराब मत करो. अगर इतनी ही सच्ची हो तो घर में जाकर ये बता दो कि अगर अपने दिल की बात नहीं कह रही हो तो आसिम रियाज के भाई की वजह से नहीं कह रही हो. आगे सना कहती हैं, आई डोंट थिंक विशाल इज बेवकूफ, ही इज स्वीट एंड वल्नरेबल. Considering what all happened with him in the show, he still maintained his calm and was dignified. He is a good player, Vish. He was there from the beginning. I like him. अगले ट्वीट में सना ने विशाल आदित्य सिंह की तारीफ कर दी है. विशाल आदित्य सिंह को एक अच्छा प्लेयर बताया है, मगर अफसोस अब तो यहाँ पर कायदे से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अब तक जो खबर आ रही है उसके आधार पर विशाल आदित्य सिंह, जैसा कि आप सब जानते हैं, बिग बॉस के घर से बेघर हो चुके हैं, उनकी जर्नी खत्म हो चुकी है. लेकिन सना ने ये ट्वीट जो किया इसमें उन्होंने विशाल की तारीफ ही की. इस ट्वीट में सना ने विशाल आदित्य सिंह के गेम प्लान की तारीफ ही की है. अगले ट्वीट में सना लिखती है, गो आसिम, हैशटैग आसिम फॉर द विन. तो सना खान बिग बॉस की एक अच्छी कंटेस्टेंट रही है. जब वो आई थी तो सलमान खान ने उन्हें काफी ज्यादा सपोर्ट किया था और लगातार ट्वीट्स करते हुए उन्होंने ये बात तो साफ तौर पर बता दी है कि वो रश्मि देसाई के सपोर्ट में हैं. विशाल आदित्य सिंह को सपोर्ट कर रही थी, मगर अफसोस विशाल घर से बेघर हो चुके हैं. सना रश्मि देसाई को सपोर्ट कर रही हैं, आसिम रियाज को सपोर्ट कर रही हैं. सना काफी ज्यादा सपोर्ट कर रही हैं आसिम के गेम प्लान को, रश्मि की स्पिरिट को, लेकिन हिमांशी खुराना और आसिम रियाज के वो काफी ज्यादा खिलाफ हैं. हिमांशी खुराना और आसिम रियाज का गेम प्लान सना को जरा भी समझ में नहीं आ रहा है. बता दें आपको, फिलहाल बिग बॉस के घर का यही माहौल बना हुआ है. बिग बॉस के घर में अभी करीब 12 से 13 दिन ये तमाशे ऐसे ही चलेंगे, क्योंकि शो का फिनाले 12 से 13 दिन बाद होगा. फाइनल तारीख
अब तक सामने नहीं आई है, लेकिन बहुत जल्द शो का फिनाले होगा। अब आगे आने वाले वक्त पर पता चलेगा कि फिनाले तक कौन से कंटेस्टेंट्स जाते हैं। सना खान जिन्हें सपोर्ट कर रही हैं, वो बिग बॉस के फिनाले में पहुंचते हैं, या फिर हमेशा की तरह कुछ अनएक्सपेक्टेड सा बिग बॉस के घर में यहाँ पर हो जाता है। सो गाइस, फिलहाल सना खान धड़ल्ले से सपोर्ट कर रही हैं रश्मि देसाई और आसिम रियाज को। रश्मि को वो स्ट्रॉन्ग रहने के लिए कह रही हैं, और आसिम के लिए हैशटैग आसिम फॉर विन इसका इस्तेमाल करके वोटिंग अपील भी कर रही हैं। फिलहाल के लिए बीबी रिव्यू में इतना ही। नाउ इट्स टाइम फॉर अस टू रैप अप आवर शो। वी विल मीट यू गाइस सून विद सम मोर एक्साइटिंग अपडेट्स ऑफ योर फेवरेट सेलिब्रिटी। बट टिल देन, स्टे ट्यून्ड टू नेक्स्ट 9 न्यूज एंड स्टे अपडेटेड।